शाम 6 बजे से 16 तारीख के बाद 20 तारीख के बाद 16 तारीख को संतों की हत्या हुई और 20 तारीख से लगातार न्यूज नेशन ये पड़ताल कर रहा है कि आखिर पालघर में संतों को इतने क्रूर और निर्मम तरीके से क्यों मार दिया गया। कई सारे सवाल भी हमने उठाए हैं और आज सवाल उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे को ये किसने कहा था कि वहां चोरी की अफवाह थी, क्योंकि FIR में इसका जिक्र तक नहीं है। आज हम पड़ताल करेंगे उसी FIR की, सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे क्या हुआ, क्योंकि FIR ये साबित करती है कि न्यूज नेशन की अब तक की जो पड़ताल थी वो बैंग टू द पॉइंट थी। पालघर में संतों की हत्या पर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। 16 अप्रैल को जब संतों की निर्मम तरीके से हत्या हुई तब से ही देश गुस्से में है और न्यूज नेशन इस हत्या को लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। न्यूज नेशन की पड़ताल में देश को शर्मसार करने वाली इस मॉब लिंचिंग का नया राज सामने आया है। 16 अप्रैल की खूनी रात को आखिर क्या हुआ था? अफवाह के बाद संतों की हत्या की गई या फिर सोची समझी साजिश के तहत उनको मारा गया? दरअसल पुलिस की FIR में अफवाह का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपने बचाव में अब तक अफवाह फैलाने का ही सहारा ले रही थी। बार बार संतों की हत्या की असली वजह अफवाह को बताया जा रहा है। आखिर क्यों सरकार ऐसा कर रही है और आखिर क्या है संतों की हत्या की असली वजह? कई संतों की हत्या सोची समझी साजिश तो नहीं है, क्योंकि संतों की हत्या को लेकर बार बार लोगों को बरगलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। सवाल यह है ऐसा क्यों? ऐसे ही कुछ बयान आज आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। अप्रैल को पालघर में संतों की निर्मम हत्या की ये वो FIR कॉपी है जो महाराष्ट्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। कासा पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर आनंद राव शिवाजी काले की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मराठी में दर्ज कराई गई शिकायत में वारदात का जिक्र तो है, लेकिन दो साधु और ड्राइवर को मौत के घाट उतारने वाली भीड़ वहाँ कैसे पहुँची इसका जिक्र FIR में कहीं नहीं है। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। हमारे संतों की हत्या कर दी जाती है और 48 घंटे तक FIR दर्ज नहीं होता है। लॉकडाउन खुलने के बाद ही संत लाखों की संख्या में कूच करेंगे। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको दंड दीजिए जिन्होंने संतों के रक्त से अपने हाथ रंगे हैं। पुलिस की तरफ से दर्ज कराए केस में वारदात वाले दिन करीब 500 की भीड़ जमा होने का जिक्र है। FIR में भीड़ की तरफ से साधुओं को पलटे जाने और पुलिस के पहुंचने तक साधुओं के गंभीर रूप से जख्मी होने की बात कही गई है। पुलिस का रास्ता रोकने के लिए रास्ते पर पेड़ और पत्थर फेंकने का जिक्र है। साफ है कि पुलिस वारदात वाले दिन जब मौके पर पहुंची तो साधु सही सलामत थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। न्यूज नेशन की पड़ताल के दौरान सामने आए चश्मदीद ने इन तथ्यों की तस्दीक की थी। घाबरले तेव्हा ते मेजर पण तिथेच होते, ते साडों के मारलेले त्यांना ते पण तिथेच होते आणि मी बाजूला लपलेले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस FIR में पुलिस ने कहीं नहीं लिखा कि भीड़ के इकट्ठा होने की वजह क्या, जबकि उद्धव ठाकरे ने ये पहले ही कह दिया था कि अफवाह की वजह से भीड़ आई और साधुओं को मार डाला। अब पुलिस और सरकार के बयानों में विरोधाभास के बाद सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस केस में लुकपा पोती की कोशिश कर रही है? जब पुलिस को नहीं पता कि वहां अफवाह फैलाई गई थी तो फिर उद्धव ठाकरे के अफवाह वाले बयान का आखिर आधार क्या था? टीम न्यूज नेशन। तो सवाल यहाँ पर कई सारे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि चोरी और बच्चा चोरी की अफवाह थी जिसके चलते लॉकडाउन में 500 लोग इकट्ठा हो गए, वो भी उस आदिवासी इलाके के अंदर जहां पर घर बहुत दूर दूर हैं, पहाड़ी इलाका है, जंगलों का इलाका है, वहां पर ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों 3 घंटे तक ये ड्रामा चलता है? क्यों पुलिस स्थिति की गंभीरता को नहीं समझती है? पुलिस के SP के कितने विरोधाभासी बयान हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने गेस्ट पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। और मेरे साथ इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मेंबर ऑफ राज्यसभा और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन GVL नरसिम्हा राव जुड़ गए हैं। मेरे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हैं जो कि हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा हैं जो कि लीडर हैं CPM के, तहसीम पूनावाला हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, विक्रम सिंह साहब हैं, एक्स DGP हैं,
उत्तर प्रदेश के और जाने माने डेकोरेटेड पुलिस अधिकारी है। आज पुलिस उप निरीक्षक सालुखे को भी निलंबित किया गया, आज निलंबित किया गया 16 तारीख के बाद से। आज मैं वो दृश्य आपको दिखाऊंगा जब सालुखे कल्पवृक्ष गिरी महाराज जो उनका हाथ पकड़कर चल रहे थे वो हाथ छोड़कर उनको भीड़ के हवाले कर देते हैं। सबसे पहले चलता हूं जीवीएल नरसिम्हा राव जी के पास। राव साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं केंद्र सरकार इस पर एनआईए की जांच क्यों नहीं घोषित करती, क्योंकि इसमें धर्म परिवर्तन का भी एंगल है, इसमें अर्बन नेक्सल्स का भी एंगल है, इसमें यह भी एंगल है कि वहां के आदिवासियों को बताया जाता है कि रावण आपके देवता है राम नहीं, महिषासुर आपके देवता है दुर्गा नहीं, वही टीचिंग जो जेएनयू के अंदर दी जाती है। बताइए एनआईए की जांच क्यों ना हो उस पर, सीबीआई की मांग तो सब कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी भीमा कोरेगांव केस एनआईए को देना पड़ा था। यहां तो लॉकडाउन के दौरान दो संतों को जिसमें एक की उम्र 70 साल है भीड़ के हवाले कर दिया जाता है 3.5 घंटे के ड्रामे के बाद। दीपक जी, सबसे पहले आपको और दर्शकों को नमस्कार, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस स्टोरी को लगातार इस पर पड़ताल कर रहे हैं, इसको इसके अंदर क्या सच है, और सरकार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो झूठ बोला जा रहा है उसको एक्सपोज करने के काम कर रहे हैं। मैं सही दिल से आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए शिवसेना एक अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती रही, बट लेकिन आज के समय जिस प्रकार का उस सरकार का उद्धव ठाकरे सरकार इसको इसकी लीपापोती कर रही है, यदि बाबा साहेब ठाकरे इसको ऊपर से यदि देख रहे होंगे, मैं समझता हूं उनका दिल को बहुत कष्ट हो रहा होता। बट लेकिन आज कांग्रेस से मिलकर एनसीपी के साथ सरकार बनाकर उद्धव ठाकरे एक तरह से हिंदुत्व को छोड़ दीजिए बट मानवता को भी छोरा भूकने की काम कर रहे हैं, यह सच्चाई को छुपाने की और लोगों तक ना पहुंचे इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने कहा 16 तारीख की घटना है, हर तरह का एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, क्योंकि पुलिस के रहते हुए पुलिस ने उनको एक तरह से हवाला कर दिया, गुंडों के हाथ दे दिया उनको मारने के लिए, उनको एक तरह 70 साल की एक बुजुर्ग को, एक संत को और एक 35 साल के संत को मारने के लिए ऐसा उनका हवाला कर दिया। इसको मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग कहता हूं। बड़ी बात कह रहे हैं नरसिम्हा राव जी, ये ब्रेकिंग न्यूज है मेरे लिए, अगर बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन ये बात कह रहा है तो बिल्कुल, ये बड़ी स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग इसलिए है क्योंकि आपने कोई छोटे मोटे कांस्टेबल को इसके लिए आज वो भी 15 दिन के बाद इसके लिए आप जिम्मेदार ठहराकर आप उनके सस्पेंड कर रहे हैं, कुछ 20-35 लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी मीडिया के दबाव में, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, नहीं तो ये सरकार इसको बिल्कुल नकार देती और उल्टा संतों पर भी संतों को दोष देती तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि सोनिया गांधी के संरक्षण में उद्धव ठाकरे को मैडम को खुश करना है, मैडम को यदि खुश करना है तो हिंदू विरोधी बनना है, नहीं तो कांग्रेस को तो ये नई बात नहीं बचा पाएगी। कांग्रेस एक हिंदू विरोधी मानसिकता को लेते हुए जो पार्टी अनेक राज्यों में सरकार में है, एक तरह से उनके दिल में हिंदू के लिए जहर भरा हुआ है, वही जहर के कारण आज हिंदू संतों की हत्या को उनकी लीपापोती उद्धव की सरकार कर रही है। ठीक है नरसिम्हा राव साहब, सीधे मैं तहसील पूनावाला के पास चलता हूं। पूनावाला जी, हमने देखा बुलंदशहर में योगी जी को हाशिए पर लाने के लिए एक नॉर्मल हत्या की हम निंदा करते हैं, गलत हुआ, लेकिन वो हत्या एक नशेड़ी के द्वारा नशे में की गई हत्या थी। यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा राव कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग हो गई, इतना बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही है। आप मुझे बताइए FIR में कहीं नहीं लिखा है कि अफवाह के कारण लोग वहां जमा थे, लोग वहां क्यों जमा थे? उद्धव ठाकरे ने यह बताकर कि उनको चोर समझ के मार डाला, ये थ्योरी पहले दिन क्यों पेश करी? जवाब दीजिए तहसीम पूनावाला। जी दीपक जी, जीपीएल नरसिम्हा राव जी जो मेरे एक मित्र है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत ही जिम्मेदार स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आपके शो में कहा कि कांग्रेस को खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे ये हत्या होने देगी और ये स्टेट स्पॉन्सर हत्या है, ये उनके शब्द है, ये बड़े जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं। अब मेरे उनसे सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मॉब लिंचिंग के लिए कानून पास करो क्यों नहीं किया,
जिन सूबों ने किया उसमें राष्ट्रपति का साइन क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल उनसे, आज तक हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, वो साधुओं की हत्याओं पर क्यों बात नहीं करे, और ऐसा क्या हो गया इस मुल्क में पिछले 6.5 साल में जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने कि हिंदू खतरे में, और हिंदू खतरे में आने के बाद एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई लव जिहाद में, मिला उनको कुछ नहीं। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई अन्य मामलों में, मिला उनको कुछ नहीं। तो बार बार इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद, मैटर सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद ये फेल क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा फेल है नरेंद्र मोदी जी का है या नहीं है? नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों है और नरेंद्र मोदी जी कानून पास क्यों नहीं, इसका स्पष्ट जवाब जी वेलन से वारा साहब। दीपक जी, कोई कानून किसी प्रकार के क्राइम को क्राइम होने से नहीं बचाती है। यहाँ इनका उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी या उनके जानबूझकर इस हत्या को दबा देने की जो कोशिश है, यह कानून ना होने के वजह से नहीं है। ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं है, यह पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, एक तरह से क्राइम को दबाने की इस प्रदेश सरकार की कोशिश है। इसमें कानून का कोई रोल नहीं है। ये जो कानून में जो प्रावधान है, जो ऑलरेडी आईपीसी के अंदर जो प्रावधान है, उसके तहत इनके अपराधी को सजा दी जा सकती है। पहले दिन से इसको दबाने की कोशिश करना, इसको इसको जो राज्य इसका एक सांप्रदायिक रंग है इसमें, इसको रोकने के, इससे ध्यान हटाने की कोशिश, इसमें बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह सरकार जानबूझकर संतों की हत्या होने दिया है और जो जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करने से देर कर दिया है और जो पत्रकार इसको उठा रहे हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है। अर्णब गोस्वामी जी के साथ जो हुआ कल आपके साथ भी किया जा सकता है। दीपक चौरसिया जी, नहीं मैं बता दूं, मेरे को फोन आने लगे हैं, मुझे फोन आने लगे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस के बारे में आप लिखेंगे तो आपको देख लिया जाएगा। मैं वो टेलीफोन नंबर दिखा सकता हूं, 150 से 200 फोन आए मुझे कल रात से लेकर आज तक। मैं सीधे जाना चाहता हूं सुनील चोपड़ा जी के पास। सुनील चोपड़ा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा माहौल उन इलाकों में ही क्यों होता है जहां वामपंथ और अर्बन नक्सल मानसिकता के लोग काम करते हैं? पालघर वही एक इलाका है। देना चाहता हूं कि अभी अभी 2 साधु बुलंदशहर में मारे गए हैं। क्या मैं ये मानूं कि यूपी के मुख्यमंत्री भी हिंदू विरोधी हैं? जो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बेशर्मी की बातें होती हैं। मेरा ये कहना है कि जो बुलंदशहर में हुआ है उस व्यक्ति को मारो, आप समझिए। मैं आता हूँ मान जी, बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए मान जी, मैं आता हूँ आपके। आपने पूछा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि ये ऐसे हुआ। 2 बार अटैक हुए हैं, एक डॉक्टर पे, एक तमिलनाडु के मजदूर पे। 10 साल से वो इलाका कानून व्यवस्था कहाँ थी? वही जानना चाह रहा हूँ चोपड़ा जी। मुझे जवाब देने दीजिए, बोलिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आप नहीं देने देंगे तो मैं मानूंगा आप इनके साथ दोषी हैं। सर आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं, आप खुद अदालत हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप 30 सेकंड लीजिए, अपनी बात खत्म करिए। मानते हो आप अपने आप को अदालत मानते हो, आप जानते हो हैं, लेकिन आप अदालत नहीं हैं। अदालत ने बड़ी अच्छी इंक्वायरी की है, शुरू कर दी है, हम उस इंक्वायरी के लिए वेट कर रहे हैं। 10 साल से वो इलाका बीजेपी के कंट्रोल में है, दादरा नगर हवेली के साथ है। मैं ये जानना चाहता हूं, दूसरी बात आप पूछ रहे थे कि क्यों हम कह रहे हैं कि एक अफवाह थी। 4 दिन पहले एक डॉक्टर और एक तमिलनाडु के मजदूर पे हमला हुआ था, क्यों नहीं किसी हुआ ने था, सोचा? तो पुलिस ने उनको क्यों बचा लिया? इनको क्यों नहीं बचाया? पुलिस ने उनको क्यों बचाया? इनको क्यों नहीं बचाया? और इस बात का भी जवाब दीजिए, जो हमले हो रहे थे वहां पर, जो हमले हो रहे थे सिर्फ गुंडागर्दी को बढ़ाने के लिए, इंक्वायरी में बताएगी। पुलिस अफसर खुद दोषी है, वही महाराष्ट्र पुलिस का अफसर उसकी इंक्वायरी करेगा, क्या वो इंक्वायरी निष्पक्ष होगी? क्यों नहीं करते? बुलंदशहर में क्या हुआ योगी को बताइए। ठीक है, बुलंदशहर की बात महंत नवल किशोर दास जी जवाब दीजिए। मैं सुनील चोपड़ा जी, दलित को पकड़ा है उस केस में, क्या बात कर रहे हैं? देखिए आपने यहाँ पर जाति ढूंढ दी,
आप मुझ पर सवाल नहीं कर रहे महन जी एक मिनट सुनील चोपड़ा जी सुनील चोपड़ा जी महन जी एक मिनट बचाया जिन्होंने संतों को मारा उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, दोनों में कितना अंतर जरा देखिए। एक जगह जनता संतों को मारती है, पुलिस देखती रहती है, एक जगह गांव की जनता उस अपराधी को पुलिस के हवाले कर देती है। आप जरा बताइए वहाँ 13-14 पुलिस वाले थे, क्या कर रहे थे? सुनील जी कह रहे हैं जब हमला हुआ था उस क्षेत्र की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई, वहाँ क्यों नहीं सेना लगाई गई, वहाँ अफसर क्यों नहीं भेजे गए? इसलिए मैं कहता हूं सीबीआई की जांच होना चाहिए, और जांच नहीं होती है तो 3 तारीख के बाद अखाड़ा परिषद के सभी लोग, सभी संत महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की आत्मा के प्रति पूछेंगे कि यही संतान है? सत्ता के लिए सत्य को छोड़ दिया? जो संत अपना समग्र जीवन देकर के चेतना प्रदान करते हैं, साधना करते हैं, हर जीव में परमात्मा का वास देखते हैं, उन लोगों को पीट पीट के मार दिया और आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आप दो सुनील चोपड़ा जी प्लीज आपको सुना उनको सुन लीजिए। इस प्रकार से आघात होगा प्यारे, तो जरा संत समाज, क्या आप नहीं चाहते देश में कोई साधु रहे? आप नहीं चाहते साधु यात्रा करे? आप नहीं चाहते समाज का जागरण हो? पूरा क्षेत्र का ईसाईकरण कर दिया आपने, वहाँ संतों के प्रति धर्म के प्रति घृणा पैदा कर दिया। चोपड़ा जी ऑडियो प्लीज डाउन, नाम है ये उसी का दुष्परिणाम है। ठीक है मान जी, मैं सुनील चोपड़ा जी को लाना चाहूंगा। और सुनील चोपड़ा जी, आपने अंगूर का साइज और कद्दू का साइज देखा है? एक सवाल का जवाब दीजिए सुनील चोपड़ा जी, आप बहुत व्यवहारिक आदमी हैं। मुझे बताइए, आपने कद्दू और अंगूर का साइज देखा है? कद्दू है पालघर की घटना और अंगूर है बुलंदशहर की घटना, ये अंतर है दोनों में। लेकिन आपकी विचारधारा कद्दू और अंगूर को बराबर बताएगी? आपकी विचारधारा कद्दू और अंगूर को बराबर बताएगी? मैं जानना चाहता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री क्या हिंदू विरोधी हैं? मैं नहीं मानता। तो इसी तरह से आपकी जो बंबई की सरकार है वो भी हिंदू विरोधी नहीं है? बहन जी जवाब दीजिए, सुनील जी को ऑडियो डाउन प्लीज, सुनील जी को ऑडियो डाउन, सुनील जी आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बहुत वरिष्ठ हैं। कर दिया और आपकी पुलिस हमारे संतों को अपराधियों के हवाले कर रही है और आप समकक्षता दिखा रहे हैं? जरा थोड़ा सा संकोच करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। वो संत थे, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे वो। ठीक है, विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं। और विक्रम सिंह जी, दो बड़े सवाल लेकर चलूंगा मैं आपके पास, दो वीडियो दिखाऊंगा। एक इकलौते आदमी ने, एक सरदार सिख सिपाही ने उत्तराखंड के अंदर एक भीड़ से मुस्लिम युवक को सफलतापूर्वक बचाया था, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन इस बात का जवाब दीजिए, क्या बुलंदशहर और पालघर की हत्या का कंपैरिजन किया जा सकता है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि पुलिस क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होते हैं, उससे जुड़ा एक बाइट सुनाऊंगा। पर मैं आपको, आप ये पहले बताइए कि क्या पालघर और बुलंदशहर का कंपैरिजन किया जा सकता है? दीपक जी, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स, कोई मुकाबला नहीं। बुलंदशहर पीरघाट है और पालघर मीरघाट है। कहां एक मॉब लिंचिंग और कहां एक नशेड़ी के द्वारा हत्या करना और गिरफ्तार हो जाना। तो उसका एक का मोटिव देखिए, दूसरे का मोटिव देखिए। पहले में बुलंदशहर में क्या पुलिस मौजूद थी? नहीं थी। दूसरे में पुलिस मौजूद थी और उनके संरक्षण में भीड़ ने उनके सामने पुलिस की नपुंसकता को उजागर करते हुए और किया। और वाह रे पुलिस, इसमें डिसमिसल का प्राविधान है दीपक जी। आपकी जिम्मेदारी है पुलिस की कि छाती पे अपनी गोली ले, ये नहीं कि जो आपकी अभिरक्षा में आपने अपनी सुरक्षा को पुलिस के हवाले किया और आपने उसको ही भीड़ के हवाले कर दिया। ये पुलिस विकलांगता को उपलब्ध हो चुकी है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक भी बिंदु आपने पूरा नहीं किया। इन सबका डिसमिसल होना चाहिए कायरता और बुजदिली दिखाने के चक्कर में। इन्होंने सरासर का, अगर पहले पृष्ठभूमि में इतिहास था अफवाह का, तो आप क्यों नहीं अपने हिसाब से लेके गए? एडवांस पार्टी क्यों नहीं भेजी? स्काउट्स क्यों नहीं भेजे? स्काउट्स लेके क्यों नहीं गए? और आपने पूरी एडवांस इंटेलिजेंस क्यों नहीं ली? तमाम मैं सवाल उठा सकता हूं, लेकिन उसका ये समय नहीं है। सवाल इतना है कि इन्होंने पुलिस विभाग और वर्दी को शर्मसार किया है, इनका डिसमिसल होना चाहिए और इनके ऊपर वो कार्रवाई हो जो कि एक नजीर होनी चाहिए। दीपक जी, पुनावाला जवाब दीजिए,
क्या महाराष्ट्र पुलिस इतनी निकम्मी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब राजनीतिक दबाव में है। ठीक है, मान लेते कि राजनीतिक दबाव में है, तो क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस जी कोर्ट में जाकर कोर्ट इंक्वायरी की मांग करते हैं? क्या यहाँ पर महाराष्ट्र में लोग अरेस्ट नहीं हुए? आप तो पीआईए लगाते रहते हैं तहसीमपुरा वाला, आप चले जाइए ना, आप चले जाइए, आप तो पीआईए लगाते रहते हैं, आप चले जाइए कि सुप्रीम कोर्ट प्लीज उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी सभी लोगों को क्लीन चिट दे, आप लगा दीजिए, आप तो करते ही रहते हैं। जी जवाब दीजिए सर। मैं इसलिए पीआईएल नहीं लगा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार उद्धव ठाकरे साहब ने काम किया, और आप जानकर हैरान हो जाएगा, आपके व्यूअर्स हैरान हो जाएगा, जीवीएल भाई हैरान हो जाएंगे। अरेस्ट करने वाले 101 एफआईआर में दो बीजेपी के नेता थे। अब आप मुझे बताइए हर मॉब लिंचिंग में बीजेपी के नेता क्यों शामिल होते? मेरा यह आरोप है आपके चैनल पे, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आरोप ले रहा हूँ जीवीएल भाई, सुन लेना, कि बीजेपी के नेता हर मॉब लिंचिंग में इसलिए शामिल है क्योंकि वो एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में, क्योंकि इकोनॉमी पे नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से फेल हो गए, इसलिए वो देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वरना बीजेपी के नेता क्यों अरेस्ट होते? कोई भी मॉब लिंचिंग हो, बीजेपी का नेता वहां पर शामिल क्यों होता है? जवाब ले लेता हूँ। वैसे आप थ्रिलर कहानियां बहुत अच्छी लिख सकते हैं, आप बिग बॉस पे जा चुके हैं, थोड़ा बॉलीवुड का भी रुख करिए, एक आध ऐसी कहानियां लिखी है। जीवीएल जी जवाब दीजिए, बहुत शानदार तहसीम, आपका नया रूप देखने को मिला मुझे। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आप इकोनॉमी पे आ गए। नहीं दीपक जी, देखिए इतना एक तरह से साजिश, पहले साजिश करना और उसके बाद झूठे कहानियों को इस प्रकार गढ़ना, ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस से ही संभव है इस प्रकार की राजनीति। और अभी सुप्रीम कोर्ट को भी ये कांग्रेस पार्टी के सरकार के, महाराष्ट्र के सरकार के एक तरह से उनके गुना, उनके दोष के लिए आज तहसीन भाई सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें खींच रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किया है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इस प्रकार दोष मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलेगा तो आपको खटकरे में खड़ा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किसी संतों को, भीड़ को हवाला करने के लिए कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कभी पुलिस को अपने काम छोड़ करके गुंडों को साथ देना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये कहा कि इस प्रकार निर्मम हत्या करना चाहिए, होना चाहिए? और बीजेपी को हर आपकी क्राइम में घसीटना और इसको राजनीतिक रंग दे करके इससे बचने की कोशिश करना, ये आज से नहीं, जब से यूपीए सरकार बनी तब से ये ड्रामा चल रही है, और ये ड्रामा को कोई नहीं मानने वाला है। लापरवाही के लिए, अपने गुना के लिए, दोष के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल कोर्ट में अपनी दो तस्वीरें दिखाऊंगा, सवाल लूंगा तहसीम पूनावाला से, फादर पीटर डिमेलो जिन पर वहां पर कन्वर्जन के आरोप लगते रहे हैं, वो यूपीए की एनएससी की सब कमिटीज के मेंबर रहे हैं, दो कानून बनाए उन्होंने ट्राइबल राइट्स पर और साथ ही साथ मनरेगा पर। सवाल क्या है, कहीं कोई कनेक्शन है? ये सवाल भी उठाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि एक पुलिस वाला अगर चाहे तो कैसे भीड़ से एक मुस्लिम युवक को बचा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता।